बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब, हमारे यहाँ जब बच्चों के रिजल्ट आते हैं ना, तो भले बच्चे के 80% आ जाएं, 85% आ जाएं, लेकिन माँ बाप खुश नहीं होते। माँ बाप को क्या लगता है कि अरे बेटा फलाने को देखो, उसके 95% आए हैं, है ना। उनकी बेटी को देखो, उसके 92% आए हैं, और तुम 80% लेकर के आए हो, उसको देखो 90% मार्क्स आए हैं। तो मतलब अपने बच्चे को जिसको 80% मार्क्स मिले हैं, है ना, उससे इनको खुश नहीं होना है। इसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, मतलब इधर उधर चीज़ों को घुमाना, यही हमारी सरकार कर रही है। जब भी कोई भी मसला होगा, महंगाई हुई, सब्जी महंगी हुई, टमाटर महंगे हुए, महंगाई की बात करो, है ना, तो कहते हैं अच्छा यहाँ पर तुमको टमाटर महंगा लग रहा है, पाकिस्तान में जा करके देखो, आटे के लाले पड़े हुए हैं, है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, पाकिस्तान में जाके देखो और तुमको टमाटर महंगा लग रहा है। मतलब जब भी कोई बात करो तो इधर की और उधर की, किसानों की बात करो, अरे ये किसान, ये किसान नहीं है, ये मवाली है, ये खालिस्तानी है। लोग किसानों की बातें नहीं हो रही, मवाली हो खालिस्तान की बात करने लगे। पहलवानों की बात करो कि ये पहलवान धरने पे प्रदर्शन में बैठे हुए, इनके साथ जो भी शोषण हुआ, अरे ये तो कुछ लोग इनको भड़का रहे हैं, ये टूल किट, ऐसे से वर्ड निकाली, ये टूल किट के हिस्से हैं, ये उनको भड़का रहे हैं, वो उनको भड़का रहे हैं, है ना, ये सब मिले हुए हैं, इनकी औकात मतलब जो उठाए उसकी तो ऐसी की तैसी है, बाकी इधर उधर। और भाई साहब झूठ देखिए, इतना झूठ, इतना झूठ। अब बात मणिपुर की आई तो मणिपुर की बात मत करो, बंगाल देखो, बंगाल में देखिए क्या हो रहा है, राजस्थान देखो, बात मणिपुर की हो रही, बंगाल, बंगाल राजस्थान की बात तुम 4 दिन पहले कर लेते, 2 दिन पहले कर लेते, 2 दिन बाद में कर लो, लेकिन जब मणिपुर की बात करना है तब मणिपुर छोड़ो, बंगाल देखो, राजस्थान देखो। मतलब बच्चे के जो 80% आए हैं वो मत देखो, है ना, उसके 95%, उसके 92% वही यहां पर कर रहे हैं। अरे मणिपुर की बात कर लो, मणिपुर में मतलब इस लेवल का जो भी हुआ है, लेकिन ना भाई साहब, और वहां पर भी झूठ फैलाना, वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस तरीके की और भी घटनाएं हुई हैं, हाँ बहुत सारी हुई हैं, बहुत सारे FIR, ये मतलब सोचो वहां पे एक घटना नहीं हुई है, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं वहां पर, 3 महीने से हालात खराब है। वो राजस्थान जैसा माहौल नहीं है, वहां का अलग है, राजस्थान में भी हुआ है, जो भी हुआ है वो भी गलत है, लेकिन कहाँ एक इतना बड़ा कि एक जगह मतलब कोई स्विमिंग पूल में किसी का पैर फिसल गया और स्विमिंग पूल में अगर कोई डूब रहा है तो वो बात अलग है, और लेकिन कहीं पर बाढ़ आई हुई है, पूरा गांव और पूरा स्टेट अगर परेशान है तो बोले वो देखो स्विमिंग पूल में फलाना है ना ये डूब गया, वो नहीं दिख रहा है आपको, आपको हिमाचल प्रदेश की बाढ़ दिख रही है, उत्तराखंड की बाढ़ दिख रही है, वो देखो स्विमिंग पूल में डूब गया, वो फलाने तालाब में ये देखो डूब गया, तो तालाब और तलैया और स्विमिंग पूल में इधर उधर भटकाओगे कितना, मतलब हर चीज में झूठ, और सिर्फ झूठ फैलाना। और झूठ क्या फैला दिया कि वो, जबकि उनकी तरफ से ये भी आया कि जो आरोपी थे, कुछ आरोपी पकड़े गए हैं, ये एक ANI न्यूज एजेंसी जो है उसने फैला दिया कि वो अब्दुल पकड़ा गया। अब बस भाई साहब, इनके तमाम चिंटू पिंटू मिंटू बग्गा मग्घा डब्बा लकड़ा पग्घा 10 लोग, अरे वो देखो ये पकड़ा गया, मतलब झूठ, और झूठ साबित हो चुका कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद झूठ, और बेशर्मी से झूठ, और झूठ पकड़े जाने के बाद में भी ये मानते नहीं है, और आपसे और सबसे आकर के लड़ेंगे झगड़ेंगे झूठ के बावजूद, हर जगह झूठ। कोरोना के टाइम पे क्या हालत थी देश में, लोग त्राही त्राही हॉस्पिटल इधर उधर, लोग कहाँ कहाँ भाग रहे हैं, दवा इलाज के लिए ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं, पूरे देश में कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से, चीजों से कितने लोग मर गए, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा झूठ कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं, ये बताइए, हमेशा झूठ। उसी समय लॉकडाउन के समय वो दिल्ली में कि वो मरकज के ये जमाती और ये इन लोगों ने कोरोना फैला दिया, मौलाना साद ने, वो वहां पे छिपा हुआ है, मौलाना साद बक्सा नहीं जाएगा, मौलाना साद ने कोविड
बढ़ा दिया और ये कोरोना फैला रहा है, मौलाना साथ कब तक छिपेगा, मौलाना 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 साथ बोल करके पूरा समाज का, सोसाइटी का, देश का पूरा माहौल खराब कर दिया। इसके बाद में मौलाना साथ का पता ही नहीं चला, मौलाना साथ आज तक कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ नहीं। भाई साहब झूठ फैला दिया, झूठ फैला के पूरा माहौल बिगाड़ दिया, चीजें जो इनको करना था, बाकी तो उसको मौलाना साथ का कुछ था नहीं, इसलिए आज तक पकड़ा नहीं गया, ना कुछ हुआ ना बताया। ऐसे बिहार में देखिए अभी धरना प्रदर्शन ये सब लोग कर रहे थे वहां पर, और ये हुआ कि पुलिस ने देखिए इतना पर और लाठी से एक हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता की इतना मारा, और ये देखिए मौत हो गई। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो तो हार्ट अटैक से मर गए। ये भाई साहब झूठ फैला दिया दो दिन, न्यूज चैनल वाले भी इनके साथ। ये देखिए एक वो रूबिका लिया कर, उसने तो बकायदा मतलब दिखा दिया कि ये देखो ऐसी फोटो ब्लर कर दिया कि इतना खून है हम दिखा भी नहीं सकते। ये बाद में फोटो आई तो उसमें कहीं कुछ नहीं, झूठ फैला के निकल गई। बस ये लोग झूठ फैलाते हैं और टीवी पे मीडिया न्यूज वाले सब ऐसा फट 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 फट, और बेचारी जनता है जो अंधभक्त ये वो सब इनके झूठ में फंस जाते हैं और इसके बाद में दूसरे झूठ में आ जाते हैं। फिर आज बंगाल में आज लोगों को मणिपुर की पड़ी हुई है कि वहां पर महिलाओं के साथ हुआ, बंगाल में भी ऐसी ही घटना हुई, एक महिला के साथ उसको परेड कराया गया और उसके कपड़े नग और ये वो सब चीजें करके, कहीं कोई वीडियो नहीं, कोई इविडेंस नहीं, सिर्फ झूठ फैला दिया। और ये न्यूज चैनल वाले भी उन्हीं के पीछे लगे हुए, बंगाल का बताइए, मणिपुर की आप बात कर रहे हैं, बंगाल में आप क्यों चुप हैं? वहां की पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके बताया कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। तो भाई साहब इस लेवल का, बिहार में जो बता रहे थे कि ये मारा ये उससे मरेगा, बाद में पता चला ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई, है ना। बंगाल में जो बता रहे हैं इससे बाद में पता चला ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई, है ना। और मौलाना साहब ये पता उसने कुछ किया ही नहीं था। भाई साहब सिर्फ झूठ फैलाना, अब इस झूठ से समाज में देश में इतने लोग कहाँ कहाँ फैले हुए मोबाइल में देखते हैं, उसको सच मान लेते हैं और यही लोग फिर नफरत पाल लेते हैं और यही नफरत समाज में एक दूसरे के पास इधर उधर निकलती है। इनको सिर्फ नफरत फैलाने का काम है। भाई साहब अपना देश है, ठीक है, नफरत फैला के कितने दिन क्या कर लोगे? और ये नफरत आपको ही नुकसान देगी, आपको ही तकलीफ देगी, ऐसा नहीं है। जब जब नफरत जो भी मणिपुर में हुआ है हो रहा है, कहीं ना कहीं आपस की नफरत चीजें, हर वर्ग वहां पे नुकसान उठा रहा है, सबको तकलीफ हुई है। हर जो भी कुकीज है, मैतीज हैं, गांव के लोग हैं, इनके लोग हैं, इनका भी घर टूटा, उनका भी घर टूटा, ये भी जलाए गए, वो भी मारे गए, सबको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये जो नफरत की आग आप लोग झूठ बोल बोल करके फैला रहे हैं ना, इससे आपका भी नुकसान होगा, आपका भी घर जलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका फायदा ही फायदा होगा, ठीक है, कुछ समय फायदा ये हो सकता है, लेकिन नफरत फैला करके और झूठ फैला करके फायदा करना, छी, मतलब क्या कहा जाए, अफसोस होता है। और जो कोई आदमी सच्चाई चीजें अगर ये सामने बोले, अरे ये तो कांग्रेसी आदमी है, अरे ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी है, ये तो टूल किट का हिस्सा है, इससे पैसे खा लिया, उससे पैसे खा लिया, अबे तू है, तो कुछ भी बोलने लगते हैं। तो बताइए सच्चाई अच्छाई रखना, आप बोलो हजार लोग आपको सच्चाई अच्छाई पे गाली देने लगेंगे, और इनके जो झूठ है वो खुलेआम चल रहे हैं। इनके झूठ पर भी इनको कोई कुछ मत बोलो, उंगली मत दिखाओ, क्योंकि अगर इनके झूठ पे आपने उंगली उठाई कि आप कैसे भाई साहब बोल रहे हैं, तो आ करके अरे ये तो ये मुल्लों से मिला हुआ है, इसका ये है, तब तुम कहाँ थे और ये था और तुम्हें झूठ लग रहा है। बताइए सच बोलने वाले को हजार लोग गालियां दे रहे हैं और झूठ बोलने वाले का ये सब आकर के बचाव कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे प्रभु, हे ऊपर वाले, आप ही रक्षा करो सबकी, देश की, कुछ अच्छा करो, कुछ चमत्कार करो प्रभु। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान।